चिंतन बहुत सरल है। यह हर जीवी में भगवान का अनंत शक्ति है। ये अनंत शक्ति को कैसे प्रचोदन करना, यही हमारा सामने चैलेंज है। कैसे ये अंत शक्ति को तेजस्वी करना, कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाना, कैसे आंतर्य में स्वातंत्र और आनंद का अनुभव महसूस करना, यही शक्ति सुमेरु ध्यान का भूमिका है। मन में हमेशा एक संकल्प भावना रखना चाहिए। क्या भावना? मैं अखंड अनंत आनंद हूँ, यही भाव मन में होना चाहिए। अखंड, अखंड का मतलब नॉट ब्रोकन। मैं हमेशा अखंड हूँ, अखंड हूँ। मेरा चिंतन टूट रहे हैं, मेरा भावना टूट रहे हैं, परंतु आंतर्य में मेरा तेजस अखंड है। यही भाव हमेशा पुनः पुनः, वी हैव टू फील इट, वी हैव टू एक्सपीरियंस इट। वी आर नथिंग बट अनडिवाइडेड एनर्जी फील्ड। अवर ईगो इज गेटिंग शैटर्ड, अवर इमोशंस आर गेटिंग डिस्टर्ब, अवर थॉट्स आर गेटिंग ब्रोकन अप, बट देर इज ए बेस, ए भूमिका, एंड दैट भूमिका कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू पीसेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो देर इज दैट काइंड ऑफ इंडोमिटेबल अनंत अखंड भाव भगवान ने हर व्यक्ति को प्रसाद रूप में दिया है। इसको समझना, इसको स्मरण करना, इसी भाव में जीवन में यात्रा करना। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन। द सेकंड वन इज अनंत। हमेशा मन में ऐसा सोचना, मैं अनंत हूँ, अनंत हूँ, इनफाइनेट। माय इमोशंस आर लिमिटेड, माय थिंकिंग इज लिमिटेड, बट मैं अनंत हूँ, एंड आई हैव दैट स्ट्रेंथ टू एक्सपैंड माई सेल्फ। प्लीज सी दिस, आई कैन एक्सपैंड माई सेल्फ। सो मन का स्वभाव विस्तार होना, परंतु हमारा स्वार्थ भाव ये मन को हमेशा छोटा कर रहे हैं। हमारा स्वभाव अनंत है। स्वामी रामतीर्थ ही सेज, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, एक्सपेंशन इज लाइफ। When we start expanding our thinking, that is life, यही जीवन। मन को विस्तार करना करना यही जीवन का धर्म है। मन को संकोच करना ये मृत्यु है, ये मृत्यु है। सो हमारा स्वभाव, सहज स्वभाव, natural, इट इज अनंत, अखंड अनंत। और तीसरा भूमिका आनंद, आनंद। सुख और दुख ये द्वंद्व में रहते हैं। जहाँ सुख है वहाँ
दुख भी है। यहाँ उष्ण है वह कोल्ड शीत भी है। ये दोनों द्वंद्व भूमिका, ये द्वंद्व भूमिका के ऊपर और एक भूमिका है, वही आनंद है। आनंद में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। सुख भी नहीं है वहाँ, दुख भी नहीं है। सुख भी एक संवेदन है, दुख भी एक संवेदन है। ये दोनों विरुद्धात्मक भाव से, इन एन अपोजिंग वे, दे आर फाइटिंग। हमेशा मन के अंदर ये लड़ाई हो रहा है, मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ये दोनों तनाव है। हमेशा सुख में रहना, यही एक तनाव है। मुझे दुख नहीं चाहिए, यही एक तनाव है। सो हमारा स्वभाव आनंद, जहाँ द्वंद्व नहीं है वही आनंद है। द्वंद्व बिना जहाँ द्वंद्व वहाँ भय, जहाँ भय वहाँ तनाव, जहाँ द्वंद्व नहीं है वहाँ तनाव नहीं है, वहाँ आनंद, वही स्थिति आनंद। सो आवर वेरी नेचर इज अखंड अनंत आनंद, अनब्रोकन, अनडिवाइडेड, इनफाइनेट, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस। यही हमारा स्वरूप, दिस इज अवर नेचर। एंगर इज नॉट अवर नेचर, ग्रीड इज नॉट अवर नेचर, हर्ट इज नॉट अवर नेचर। ये हमारा स्वभाव नहीं है, एक कृतक भाव हमें हमेशा अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा भूमिका नहीं है। सो ये हमेशा सोचना, स्मरण करना और याद रख के संबंध को देखना, यही शक्ति सुमेरु ध्यान का प्रारंभ है। ठीक है, राइट? डू यू फील सो? सो ये स्वभाव में रहना, हमारा बाहर का चेहरा कैसे, हमेशा मुस्कुराते रहना, यही ये शक्ति सुमेरु ध्यान का परिणाम है।